तो गाइस देखो ये डॉग को, इतने टिक्स थे कि ये दर्द से कर रहा रहा था बार बार। हेलो गाइस, मैं रोहन, और गाइस हमारे यहाँ पे एक पपी है, उसको ना मतलब इतनी ज्यादा टिक्स है ना मैंने अभी देखा वो टिक्स की, जैसे लोकल में गए तो चीचड़, इतनी ज्यादा चीचड़ है ना उसको गाइज, मतलब कोई बंदा ऐसे देख लेगा ना तो किसी से बंदे से तो देखा भी नहीं जाएगा, इतनी ज्यादा टिक्स है उसे। फिर कहीं जैसे लोकल में रहते हैं बंदे, उन्होंने कहा भाई हाथ से निकाल लो, हाथ से निकल जाएगी, तो गाइज हमने सोच लिया था कि हाथ से निकालनी है लो, और किसी बंदे ने कहा एक बोटॉक्स करके एक दवाई आती है चिचड़ों की, वो डाल दो अपना आप निकल जाएगी। तो गाइज मैंने डॉक्टर से कन्फर्म की, डॉक्टर के पास उसकी वीडियो भेजी, तो डॉक्टर साहब बोले कि भाई आ जाओ अभी अगर ला सकते तो इसे, तो मैंने बोला भाई ठीक है हम कोशिश करते हैं। तो गाइज चलते हैं उसे लेके, देखते हैं क्या ट्रीटमेंट होता है, और आप लोग भी देखो कितनी ज़्यादा चिचड़ है उसे। तो गाइस देखो ये डॉग को, इसको सर टिक ही कहते हैं, इसको टिक से देखो कितना भरा हुआ है, ज़्यादा बुरी कंडीशन हो रही है इसकी। तो गाइस इसको लेके चलते हैं। देखो गाइस स्कूटी पे भी टिक्स, ये देखो ये देखो ज़्यादा अंदर क्लिनिक में ले गए थे ना, तो क्लिनिक में भी टिक्स हो गए, तो इसको बाहर लाए हैं। तो इसको डिटेल डॉक्टर साहब से लेते हैं, तो क्या दिक्कत थी डॉक्टर साहब इसे? इसको बहुत ज़्यादा टिक्स थी। हाँ जी, इसको इतने टिक्स थी कि ये दर्द से कर रहा था बार बार, और ये रोल जी हमारे पास ले गए हैं, ये बहुत अच्छे डॉग लग रहे हैं, इनकी तरह आपकी दयालु बने। डॉक्टर ने ये दवाई दी है इसको बाद में देने के लिए, और उन्होंने उसे एक इंजेक्शन और एक दवाई ये वाली खिला दी है, और अब उसे देने हैं 5 दिन के बाद। एक हमारी छोटी सी कोशिश से एक पपी को चैन की नींद आएगी, वो आराम से रहेगा, नहीं तो वो इतना परेशान हो रहा था। तो गाइज़ प्लीज़ आप लोग से भी रिक्वेस्ट है, अपने गली मोहल्ले में जो भी डॉग्स मिले तो गाइज़ उनकी प्लीज़ हेल्प ज़रूर करें प्लीज़। तो गाइज़ सपोर्ट करें, अपना ध्यान रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।